इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू के साथ अहम खबरों पर भी एक नज़र। खुदकशी एक सामाजिक बुराई है। पिछले कुछ महीनों से बेलगाम और अतराफ में खुदकुशी करने वालों की वारदातों में ज़बरदस्त इजाफा होता जा रहा है। कहते हैं मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों में तवाजन होना ज़रूरी होता है। तिलकवाड़ी रेलवे गेट के करीब दोनों मियाँ बीवी ने अपने आप को रेल के नीचे झोंक दिया। शोहर राकेश पाटिल की जगह पर ही मौत हो गई तो अस्मिता पाटिल शदीद जख्मी हो गई और अब अस्पताल में जेर इलाज है। आपको इस तरह की वारदातें अक्सर देखने सुनने में मिलती रहती। वही दूसरा पहलू भी आपको अक्सर देखने मिलेगा कि सड़क हादसों में या किसी हादसे में जख्मी को बजाय अस्पताल पहुंचाने के मोबाइल पर वीडियो या तस्वीरें लेने में मसरूफ लोग नजर आते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इंसानियत मर रही है, जख्मी कराता रहता है और लोग एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाने के बजाय सवाल पूछते रहते हैं कि जबकि अव्वलीन फरीजा अस्पताल पहुंचाने का होता है। इसी तरह बाढ़ के वक्त भी आपने देखा होगा कि पानी में बहते इंसान को बचाने से पहले वीडियो बनाना जरूरी समझा जाता है। आखिर उनके घर वालों की, उस माँ बाप की क्या कैफियत होती होगी जिसके बच्चे को या जख्मी को बचाया जा सकता है पर लोग तस्वीरें निकालने में मसरूफ नजर आते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि कुछ तो ऐसे हादसों को फेसबुक पर लाइव करना भी शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब किस हद तक बेहिस हो चुके हैं। खैर, जो जहनियत आजकल देखी जा रही है कि मियाँ बीवी कुछ ही दिनों में या सालों में एक दूसरे से नफरत करते, अक्सर बहस मुबादसे में मसरूफ होते हैं और कुछ लोग खुदकुशी का रास्ता इख्तियार भी कर लेते हैं। यकीनन जिंदगी है तो सख्त तजुर्बात होते भी है, कभी ऊंच नीच हो जाती है, इंसान है, गलतियां यकीनन हो जाती है, पर अपनी जिंदगी को खत्म करने तक का फैसला लेना इसे गलती कहा जा सकता है। इससे पहले भी हमने देखा कि घर के तमाम लोगों ने रायबाग में रेल के नीचे आकर अपने आप को खत्म कर लिया। तकलीफ के बाद राहत कानून कुदरत है। खुदा आपको इसलिए आजमाता है क्योंकि तुम पलट कर अपने पालनहार की तरफ लौट जाओ। इसलिए खुदकुशी हराम है क्योंकि ये जिंदगी किसी और की है और जिंदगी को जन्नत के बदले खरीदा गया, यानी हमारी जिंदगी का सौदा पहले ही हो चुका है। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम, संघर्ष हालात परेशानियां राहत, सब कुछ मरहले आते जाते रहते। तकलीफ के बाद राहत का मजा और भी ज्यादा आता है, पर सब्र तहम्मुल से काम लेना होता है। सब्र इसी का तो नाम है। जब हालात आए तो उस पर सब्र किया जाए। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिस पर हमेशा मुसीबतें आई हो या जिंदगी भर हमेशा मुस्कुराता रहता हो। लिहाजा जिंदगी नियामत है और जिंदगी जीना एक हुनर है। अल्लाह ने मियाँ बीवी के पाकीज़ा रिश्ते को बनाया। हर एक मियाँ बीवी में छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। एक दूसरे में तवाजन रखना ही जिंदगी होती है, पर आजकल इस बात को कहीं तो पसे पुश्त डाला जा रहा है। छोटी सी बात को इस हद तक तवील किया जाता है कि या तो तलाक तक मामला पहुंचता है या फिर खुदकुशी की जाती है। इंसान को जिंदगी बार बार नहीं मिलती। कामयाब जिंदगी के असल मायने ही कि जो भी खुदा ने दिया इस पर खुश रहे, ये भी तवज्जो के काबिल है कि हम दूसरों की कामयाबी की नकल करना चाहते हैं। जबकि हर एक का मुकद्दर किस्मत अलग अलग होता है और इसी नकल हरकत या यूं कहिए कि देखा देखी की जिंदगी की वजह से इंसान कर्जदार बनता है। और अक्सर यह आदत खवातीन में देखी जाती है कि फला पड़ोसी या फला रिश्तेदारों ने मकान लिया, कार ली, गाड़ियां ली या गहने वगैरह और शोहर को कर्जदार बना दिया जाता है। वक्त के चलते मामला हाथ से निकल जाता है। झूठी शान जताने के चक्कर में कर्ज के पहाड़ तले दब जाते हैं और आखिर इसी तरह गलत राहों का इंतखाब किया जाता है। खुदकुशी करने वाला तो कुछ लम्हों में अपनी जान गंवा जाता है पर पीछे कई जिंदगियों को सिसकते हुए मुसीबतों में डाल जाता है। बढ़ते खुदकुशी के मामले जहनी बीमारी में होता इजाफा और मायूसी है, इसलिए मायूसी कुफ्र कहा जाता है। इंसान को पुरउम्मीद होना चाहिए, जीवन एक संघर्ष तभी तो कहा जाता है। खुदकुशी बुजदिली है। हालात कैसे भी हो, लड़ना, जद्दोजहद करना और मुश्किलात पर जीत हासिल करना, यही जिंदगी के असल मायने। मायूसी परेशानियों से डर जाना, हिम्मत हारना जहन को बीमार बना देती है। मौत मसले का हल नहीं होता है। ऐसे कई वाक्य देखे जा सकते हैं जो मुश्किल हालात में भी जिंदगी से दो हाथ किए और जीत हासिल की और नुमाया मकाम भी पैदा किया। जिंदगी और मौत का देना और लेना सिर्फ ऊपर वाले के अख्तियार में है। इन मामलों में हमारा दखल सिवाय खसारे के कुछ हाथ नहीं लगता।
अब अहम खबरों पर एक नज़र। किसान एहतजाज पर आलमी दखल पर एतराजा दर्ज किए जा रहे हैं। वैसे भी मोदी सरकार ने अलग ही फौज बना दी है, जिनको ट्वीट के जरिए मोदी हुकूमत की मुखालफत करने वालों को निशाना बनाया जाता है। खासकर कंगना रनौत, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, तेंदुलकर और भी कुछ लोग हैं। पर ताज्जुब की बात तो ये है कि वो लोग हैं जो हमेशा मोदी सरकार के समर्थन में आते हैं, जिसमें खासकर कंगना रनौत और अक्षय कुमार वाजा रहे कि रिहाना एक पॉप स्टार है और इसके फॉलोअर्स 11 करोड़ है, जबकि मोदी के 7 करोड़ के करीब है। दुनिया के मशहूर पॉप स्टार के तौर पर रिहाना का नाम लिया जाता है। वही दूसरी ओर अक्षय कुमार, जो खुद फिलहाल कनाडा के शहरी हैं, और ट्वीट किया जा रहा है कि विदेशियों को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की जरूरत नहीं। आपको याद होगा कि ये वही अक्षय कुमार है जिसने कनाडा की शहरियत मिलने पर फक्र महसूस किया था और नेशनलिटी को कैनेडियन कह रहा था, पर अरेंज इंटरव्यू के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते का सवाल भी इसी देशभक्त अक्षय कुमार ने किया था। अब जब किसान कह रहे हैं कि तीनों काले कानून मंजूर नहीं किए, तो आज प्रधानमंत्री फिर कह रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। जब किसान हर हाल में कानून को रद्द कर रहे हैं, तो आखिर मोदी हुकूमत क्यों इस कानून के फजाइल बयान करने पर तुली हुई है? जब विदेशी सेलिब्रिटीज ने किसान एहतजाज और किसान कानूनों पर अपनी राय देना शुरू किया है, तो भारत के फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स ने मोदी हुकूमत की हिमायत में अपने राय पेश करते हुए देश का अंदरूनी मामला बताया है। लिहाजा छगन भुजबल ने भारत के खिलाड़ी फिल्मी सितारों पर तंज कसते हुए कहा कि सैकड़ों किसान एहतजाज में मर गए, उस वक्त कहां थे भारत की ये सेलिब्रिटी जो आज विदेशी लोगों की राय पर देश का अंदरूनी मामला कहकर जवाब दे रहे। वही राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदर शरद पवार ने मोदी हुकूमत को बेहिस कहते हुए कहा कि याद रखो, अगर किसान अमन सुकून का रास्ता छोड़कर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे तो मोदी शाह को बहुत मुश्किल होगी। सत्ता की कुर्सी पर बैठे मोदी सरकार को कुछ ही किलोमीटर दूर एहतजाज करते किसान नहीं दिखाई दे रहे। याद रहे कि ऐसे बेस हुकूमतें तवील अरसे तक नहीं चला करती, इनका जवाल बहुत करीब है, ऐसा इन्होंने कहा। ताज्जुब तो इस बात पर भी है कि आज भी कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री किसान कानून के फायदे गिनाने में लगे हुए, जबकि किसी हाल में एहतजाज वापिस नहीं लिया जाएगा। जब तक कानून वापिस नहीं लिया जाएगा, भले ही यह एहतजाज 2024 तक क्यों न चले, देश में सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि आखिर मोदी हुकूमत जिद क्यों कर रही है। देश के आवाम को दिगर मसाइल में मसरूफ रखकर महंगाई में इजाफा करना तो मोदी हुकूमत का सबसे मशहूर मशगला। आवाम को भी इस पर कुछ तो एतराज नहीं, महंगाई की वजह से गरीब आवाम का जीना मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा आज कांग्रेस पार्टी ग्रामीण बेलगाम की जानिब से बढ़ते पेट्रोल डीजल गैस के दामों के मद्देनजर और गलत फैसलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। बैरूनी ममालिक में कोरोना से लड़ने के लिए आवाम को हुकूमत की तिजोरी से रुपए दिए गए, पर भाजपा हुकूमत ने रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दामों को बढ़ाना शुरू किया हुआ है। पेट्रोल डीजल, जबकि आलमी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने के बावजूद भी मोदी हुकूमत बेतहाशा इजाफा कर रही है। सरकारी तिजोरी से पैसे खर्च करने के बजाय आवाम की जेबों पर ही डल्ला डाला जा रहा है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ऐसा कांग्रेस शहर सदर विनय नावलगट्टी ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि अगर जल्द पेट्रोल डीजल गैस के दामों को कम नहीं किया गया तो भाजपा को इन्हीं की जबान में आवाम जवाब देगी, ऐसा इशारा भी दिया गया। आज आरटीओ के नजदीक कांग्रेस दफ्तर के सामने मोटरसाइकिल पर फूलों का हार डालकर एहतजाज दर्ज किया गया और भाजपा मरकजी और रियासती हुकूमत किस तरह महंगाई के जरिए गरीबों का खून चूस रही, इस पर तवज्जो दिलाई गई। बेलगाम के साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज दर्ज किया गया और भाजपा की गलत पॉलिसियों की मजम्मत की गई। इस एहतजाज में ये भी देखा गया कि बेलगाम के बड़े कांग्रेस कैद कहीं पर भी नजर नहीं आए। आज माल मारुति पुलिस थाने के CPI सुनील पाटिल के खिलाफ बेलगाम बार एसोसिएशन के सैकड़ों वकीलों ने एहतजाज करते हुए पुलिस अफसर सुनील पाटिल के खिलाफ अपना गुस्सा दर्ज किया। हासिल इत्तला के मुताबिक एक मामले में माल मारुति पुलिस थाने के CPI सुनील पाटिल ने वकील को तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की। इसकी इत्तला जब वो दीगर वकीलों को मिली तो अदालती कार्रवाई रोक कर एहतजाज किया गया और चन्नम्मा से RTO सर्कल तक चक्का जाम और वकीलों में बढ़ता गुस्सा देखकर DCP विक्रम आमटे खुद तशरीफ लाए और एहतजाज को वापिस लेने की गुजारिश फरमाई। वकीलों ने सुनील पाटिल पर फौरी तौर पर कार्रवाई की मांग की, लिहाजा सुनील पाटिल ने माफी मांगने के बाद एहतजाज वापिस लेने का फैसला लेने की इत्तला हासिल हुई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।